हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक चाहूंगा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग 2017 में पास आउट होने के बाद और 2023 में एमटेक पास आउट होने के बाद मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम ई कंस्ट्रक्ट में ज्वाइन किया है उसके ज्वाइन करने के बाद मैंने जी प्लस फाइव में एंटर होते साथ ही मैंने काम करना स्टार्ट किया जो कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का फर्स्ट काम था फिर जी प्लस फाइव जी प्लस फोर जी प्लस टू एंड थ्री लुक It's a different, it's a name, but it's the challenging project from the different parameters. Like a foundation, there is something different. There is a superstructure, there is something different. In the bungee jumping, there is a huge amount of knowledge required for the steel also, and IS 875 2007. कॉन्सेप्चुअल अगर नॉलेज है आई एस कोड का और सारे पैरामीटर्स का तो ही आप उसमें वर्क कर पाएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल है मैंने स्टील ब्रिज में भी बहुत काम किया है स्टील ब्रिज का मेरे पास तो एक एक्सपीरियंस भी था मैंने कॉल पे काम किया था सो so, मैंने यहाँ के जो स्टील ब्रिज में मैंने काम किया वो दो बिल्डिंगों के बीच में जो स्टील ब्रिज बन रही थी उसमें कैसे उसको बनाना है कैसे उसको रेडी करना है सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि वो बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी उसके बाद मैंने वो ब्रिज को डिजाइन करके उसमें स्टेबल कराना उसको इरेक्ट वहां पर रखवाना वो बहुत सारी चीजें हमको वह चैलेंजेस लगा वो हमने सारा काम किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑन चल रहे थे हमारे और मैंने कुछ चैलेंजेस प्रोजेक्ट्स ऑल बहुत सारे करे हैं सर मेरे को जो सॉफ्टवेयर मैंने जिसमें वर्क किया है ई e टेप्स में मैंने वर्क किया है बेसिक्स लेवल और एडवांस लेवल दोनों काम किया है जिसमें एस एम एफ भी लगाया है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो मैंने उसमें लगाए हैं फिर उसके बाद मैंने सेफ में भी वर्क किया है ऑलरेडी मैं स्टैड में वर्क करके आया था मार्केट में uh, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी इन द कॉलेज टाइम मैंने स्टैड में काम किया जिसमें मैंने टावर क्रिएट किया था और आईआईटी बॉम्बे तक मैं जा चुका था एज अ uh, रायपुर जोन से सेलेक्ट होके मैं गया था वहां पास क्योंकि मेरी जो मॉडलिंग थी वहाँ पास बहुत फास्ट थी और उसके बेसिस में मैं वहां तक जा पाया था तो मेरा स्टैड प्रो में मेरा ऑलरेडी स्टैड प्रो मेरे को कॉलेज टाइम से आता था आर्ची केट सॉफ्टवेयर मैंने कॉलेज टाइम पर सीख लिया था ऑटोकेट मैंने ऑल्सो सीख लिया था यहाँ आने के बाद मैंने ई सीखा सेफ सीखा सेफ के बाद सैप सीखा सैप के बाद प्रोकॉन में स्टडी अभी चल रही है कंटिन्यूसली प्रोकॉन मैंने सीखा ही है और उसके बाद मैंने कनेक्शंस के लिए जो आइडिया स्टेटिक आया वो भी मैंने सीखा है यहाँ पर तो ये इतने सॉफ्टवेयर को सीखना अलग चीज़ है आई एस के साथ रीड करके उस पैरामीटर्स में अप्लाई करना चीज़ों को देखना वो सारी चीजें है अलग हैं तो ये सब चीज़ें के साथ काम करना आई एस फोर फाइव सिक्स फाइव इस तरह के डिफरेंट हाँ पी डेल्टा का जो सबसे बड़ा अभी सिनेरियो आ रहा मार्केट में लोगों को पता ही नहीं पी डेल्टा कैसे लगाते हैं पर मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स में सारे सेक्टर में सारे जगह में मैंने अपने जितने प्रोजेक्ट किए मैंने पी डेल्टा लगाया है सो पी डेल्टा में एक अलग ही कोड लगता है वन 2017, 2023 आ गया, सो so, उसको रीड करना दोनों में कंपैरिजन करना मैंने वो भी काम किया है सो so, फ्यूचर मेरी प्लानिंग ये है कि मेरे को एज ए स्ट्रक्चर्स तो काम करना है बिकॉज टेक्निकल मैं अपना नहीं छोड़ना चाहूँगा क्योंकि मैंने उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट और टाइम दिया हुआ उसमें सो so, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहूँगा और उसके साथ मेरे को मैनेजमेंट का काम संभालना ये मेरा फेवरेट जोन है क्योंकि मैंने स्टेट लेवल इवेंट्स संभाले हैं ऑलरेडी मैं कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी था तो स्टूडेंट्स को मैनेज करना टीम्स के साथ वर्क कैसे कराना इंजीनियर्स डे में बहुत बड़ा इवेंट कराना और मैं एक एंकर भी रह चुका हूँ तो स्पीच में थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स का क्राउड मैंने उसको फेस किया है सो so, मेरे को वो पोर्शन वो पैरामीटर्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि जिस भी सेक्टर और जिस भी कंपनी के साथ मैं काम करूँ उसको नेशनल लेवल में हर एक छोटी छोटी सिटीज़ में हर एक स्टेट में उसकी ब्रांच होनी चाहिए उसके काम होने चाहिए और जितने हमारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो उसके पार्ट्स होने चाहिए ताकि हम भी एक इंटरनेशनल लेवल में अपने आप को स्टैंड कर सका है और जैसे मोदी जी ने बोला ही है कि आत्मनिर्भर तो ये हमारी खुद की कंपनी खुद का काम इसमें हम सब मिलकर काम करेंगे सो so, इसको बढ़ाना मेरे लिए गर्व की बात होगी